आज 3 साल बाद मैं मुंबई से अपने घर लौटा हूं, ये सोचकर कि इस बार ये पुराना मकान बेचकर माँ को अपने साथ ही ले जाऊंगा। इससे पहले कि मैं माँ से बात कर पाता, लॉकडाउन हो गया। गांव छोड़कर शहर में आने वालों के लिए गांव को दोबारा अपनाना बड़ा मुश्किल होता है। खैर, जैसे तैसे 20 दिन बीत ही गए। और जाने से पहले मैंने माँ को समझाने की कोशिश की, कर दी मैं गल कीती ही और बंदा अपन वधिया पहे दोहारिया दे कि अब इस घर में रखा ही क्या है। ये तय किया गया है कि भारत में लॉकडाउन को अब 3 मई तक और बढ़ाना पड़ेगा। पिंटू। हाँ जी। रोटी लेके आई है, रोटी खा ला। ऊपर रख दो, मैं आगे खा लेना। जब बात करने के लिए कोई ना हो तो अक्सर हम खामोशी से बात करने लग जाते हैं, और उस घर में खामोशी का नाम था मेरी मां। होर मां की करी जानी है? तेरा गाना सुनदी भी सी। एक ही मां? पुत तेरी खुशी च मेरी खुशी। हैं? हाँ तो मैं एड्डी पुरानी फोटो साम के रखी हुई है। मैं तो होर किन्ना कुछ बाड़िया हुआ है तेरा। अच्छा, किथे? आद खावा ओ ट्रंक ला उत्तो। तू पुछदा सी ना इस घर विच की रखिया होया। इस घर विच तेरा बचपन रखिया होया। मम्मी है चौथी क्लास दी फोटो। सरदार हुंदा सी, सेमियां भी बढ़ियां खांदा हुंदा सी। बना फिर सेमियां अज फिर। हुण ही बना लेनी है पुत। जवानी आते ही हम शहर चले आते हैं, नई दुनिया, नए लोग, सब कुछ नया। मगर गांव में हमारी मां के पास सिवाय हमारे बचपन के कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं। इस लॉकडाउन में किसी ने क्या खोया क्या पाया ये तो नहीं पता, लेकिन कई माओं ने अपने बेटे जरूर वापस पा लिए होंगे।